Assalamualaikum, हम जा रहे हैं नाश्ता करने। हम कौन? मैं फराज, दानिश, अंजलना। हम नाश्ता करने जा रहे हैं। देसी नाश्ता करते हैं, अंग्रेजी नाश्ता करते हैं, वो पता चल जाएगा। बच्चे हमारे साथ नहीं है, बेगमात हमारे साथ नहीं है। हम बंडिश करते हैं संडे को, लेकिन इस बार बेगमात आराम कर रही हैं और बच्चे जो है वो थोड़ी एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई की तैयारियां कर रहे हैं, बिजी हैं उसमें। तो हमने कहा कि क्यों हम ये संडे मिस करें। तो हम तीनों भाई बहन हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। कहाँ नाश्ता करते हैं वो आपको हम बताएंगे। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, इस ब्लॉग को देखना जरूर आप लोग, उसको मिस मत करना। और रमजान में मैं एक सीरियल लेके आ रहा हूँ यूट्यूब के लिए, अपने पेज के लिए, फरीद नवाज प्रोडक्शन के लिए एक रमजान सीरियल लेके आ रहा हूँ। उसकी बात भी करेंगे। क्या बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ जाओ, चलो। नहीं, यहाँ आ जा रहा हूँ, मुझे वहां जाना है यार। गाड़ी किधर है रे? अगला बंदा आपको डांट रहा है किसी बात पे, आपने गलती की है उसमें, जी भाई ये करता रहेगा। आगे तो आइए साहब, साहिबा, तो बेल्ट बांधना जरूरी है। बेल्ट बांध के गाड़ी चलाया करो, क्योंकि बेल्ट अगर गाड़ी में दी हुई है उसकी कोई रीजन है, शौक या नहीं दी, वो फैशन के लिए नहीं दी हुई, तो बराए मेहरबानी छोटी छोटी चीजों को ख्याल रखा करें। चलो दोस्तों, नाश्ता करने चलते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, हमने सोचा कि रमज़ान से पहले एक अच्छा नाश्ता हो जाए। और फिर रमज़ान में असल में हम लोग डाइट भी कर रहे होते हैं, रोज़ा भी रख रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम रमज़ान में कम से कम खाएं, तो यूँ ना रमज़ान आने से पहले थोड़ी सी आयाशी कर लें खाने पीने की। ये बड़ा साहब अपनी बिल्डिंग से निकले हैं सब, और बॉय बने इस वक्त। हेलो, आप तो बॉय बने हुए डॉक्टर साहब। आई एम अ बॉय, यू नो। बहुत हसीन स्पीड है इनकी। थोड़ा सा बेल्ट पहन लीजिए प्लीज, थोड़ा सा। भाई एक्चुअली बेल्ट मेरे साइज के होते नहीं आप लोगों के पास। बेल्ट मेरे साइज के है नहीं आप लोगों के पास। ये बात आपने बिल्कुल, ये गोरों को बताना पड़ेगा जो गाड़ियां बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपके क्या हाल है? क्या अंग्रेजी का नाश्ता कर रहे हैं या देसी? मेरे ख्याल से यार देख लो, जो डिसाइड करो नियारी क्या कह रहे थे ना, नाश्ता कौन कराता है ये डिपेंड कर रहा है। नाश्ता कौन करेगा ये डिपेंड करता है, कौन कराता है, कौन करा रहा है। मैं वॉलेट भूल गया हूँ अपना। मैं पहली बार हमेशा नाश्ता मैंने कराया है, और पहली मरतबा नाश्ता वॉलेट भूल गया हूँ, और वाकई वाल भूल गया हूँ। तो चलो पोम बुआई कर लेंगे। दानिश कराएगा नाश्ता। दानिश कराएगा, डिसाइड कर लिया। चलो वालेकुम अस्सलाम। ये अंजलना बहन है हमारी, ये फिरोजी, कौन सा रंग का कलर? ग्रीन कलर का है। अल्लाह, हम जा रहे हैं डाइट फूड खाने निहारी। हालांकि अंजलना को देख के लग रहा है पोलियो के टीके पिलवाने जा रहे हैं। तो भाई अब डिसाइड करो कहाँ जाना है, निहारी खानी है या कोई अंग्रेजी खाना खाना है? नाश्ता कर रहे हैं निहारी निहारी निहारी। चलो ठीक है, निहारी खान चलो। प्यार से तो जहर भी खिला दो, हम खा लेंगे। चलो सर यार, पहले ही काम कर ले। तो हम जा रहे हैं निहारी खाने। क्या हुआ था फराज रात को? अंजला का मैसेज आया, क्या हुआ? अंजला का फोन आता है, हेलो हेलो, आप कुछ बात करना चाह रही है। सब परेशान, पता नहीं अंजला क्या बात है, सस्पेंस है। और उसके बाद फोन बंद करके सो जाती है, एक घंटे बाद उठती है। हाँ, मैं ऐसे ही जरा कह रही थी कि वो थोड़ा सर में दर्द था, बस खुदा हाफिज़। ये अंजलि का खास स्टाइल है, ये स्टाइल है। एपिसोड फ्रीज भी करती है
और उसके बाद स्टार्ट अगला एपिसोड होता तो पता चलता कुछ भी नहीं है। सस्पेंस क्रिएट कर देते क्या हुआ क्या हुआ नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। यही तो आप लोग ये हर दफा हमारी फैमिली जो है ना बनाते हो। मैं घर में ड्रामे बनाती हूं। हमारी जो फैमिली है ना वो हमारे होता है ना। अब जैसे उठाने का इधर मैं सो रहा हूं अगर वो क्या अब्बू को उठा रहे हो तो कैसे उठाओगे। उठाओ अब्बू कैसे उठेंगे। अब्बू उठे अब्बू हां क्या हुआ। अम्मी को उठा रहे हैं। अम्मी को उठाओ। अम्मी अम्मी क्या हुआ क्या हुआ। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैंने नया नया मोबाइल लिया आईफोन ब्रांड न्यू मोबाइल। अब मैं वॉशरूम में शेव कर रहा था और अंजलना का जो है मोबाइल बज रहा है। एक दफ़ा बज रहा है दो दफ़ा बज रहा है तीन दफ़ा। मैंने बोला यार मैं शेव कर लूँ फिर। अब मैंने कहा कोई इमरजेंसी है जो इतनी कॉल आ रही है। मैंने फ़ोन अटेंड किया फराज मेरे यकीन माने मग पड़ा हुआ था। मेरा हाथ से ब्रांड न्यू जीरो मीटर मोबाइल हाथ से छूट के वो मग के अंदर चला गया। और यकीन माने वो मैंने मोबाइल एक ही बात की और अंजल्ला से बात वो ना रिपेयर हो सका। वो मोबाइल मेरा जाया हो गया। फिर मैंने दूसरा मोबाइल लिया। अब फराज ने मुझे इतना टोका कि मैंने वो आदत छोड़ दी। लेकिन अब मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि व्हाट्सएप पे कहाँ है सब इतना करके छोड़ देती हूँ। ये फिर परेशान हो जाते कि कहाँ है क्या। ये फराज साहब भी एक्टिंग कर रहे हैं आपको जैसे भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। तो रमजान एक सीरियल मैंने डायरेक्ट किया है यूट्यूब के लिए स्पेशली फरीद नवाज प्रोडक्शंस के लिए। तो उसमें फराज साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कर रहे हैं उसमें। और दानिश ने भी एक रमज़ान सीरियल किया है वो हम टी वी के लिए है। और मेरे एक असिस्टेंट थे जीशान उन्होंने भी एक सीरियल डायरेक्ट किया। अरे बेल्ट पकड़े जा रही है मैं बेल्ट लगाना भूलता नहीं सॉरी। तो एक्चुअली बेल्ट का मसला ये कि मेरे साइज का बेल्ट होता ही नहीं है। मैं एक एक हम जो है ना मेल करेंगे। क्लोजअप हो गया आपका फेस। अब सही है बेल्ट पहले जी प्लीज। तो ये देखें रॉ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जिशान जो मेरे असिस्टेंट थे उनका भी ड्रामा भी आना है वो जियो से आएगा। तो मेरा ड्रामा YouTube से आएगा और YouTube पे पसंद करते हैं नहीं करते हैं वो आप लोग फैसला करेंगे। क्या बता रहे थे आप? मैं बता रहा था फराज का जो कैरेक्टर है ड्रामे में माशाल्लाह फराज ने भी नया नया काम शुरू किया है। और फराज के पहले ही सीरियल में उनको हीरोइन की बाप का रोल मिला है। इब्तदा ही ये है माशाल्लाह आगे फराज इंशाल्लाह दो चार साल में आप दादा का रोल भी करोगे। आप अमरीश पुरी ने भी जो है ना अपने जब करियर का आगाज वो बुढ़ापे से शुरू किया था। भाई देखें हुमायूं भाई भी तो आज भी हीरो आ रहे हैं ना यार। लेकिन मुझे मुझे लगता है फराज है ना वो नुमान एजाज टाइप का लगेंगे। स्टाइल हाँ मुझे पता नहीं कैसा लगता है चाइना के नुमान एजाज। अच्छा फराज आपको कैसा लगा माशाल्लाह आप डेंटिस्ट हो इतने बड़े डॉक्टर हो आप और आपके बहुत सारे पेशेंट हैं। 0333-300-5895 आपके क्लिनिक का नंबर है। तो आप मुझे बताएं कि आपको एकदम स्विच कर देना यार। आपने नंबर बता दिया लड़कियां तंग करेंगी। हाँ ये भी हो सकता है। तो और आप खुश भी हो गए लड़कियां तंग कर रही हैं और आप बार बार भाभी से कहोगे यार लड़कियों ने फोन कर करके तंग कर दिया यार। और आप फिर आपका कट लगेगा आप बात करोगे हाँ हेलो अभी बेगम घर पे। तो ये बताओ कि आपको कैसा लगा एकदम मतलब दांत निकालते निकालते दांत अब आप दोनों सूरतों में दांत ही निकाल रहे हो क्योंकि एज ए डेंटिस्ट भी आप दांत करते हो और ड्रामे में भी आप क्योंकि थोड़ा लाइट मूड है तो लोग हंसेंगे आपको कैसा स्विच फील हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं मेरे जिंदगी का जो नो डाउट एक सीरियल मेरी जिंदगी का पहली सीरियल है। मगर मैं शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं समझा मुझे पता ही नहीं लगता था कि शॉट मेरा हो रहा है किसका हो रहा है कहाँ कैमरा एक्चुअली लॉन्ग शॉट में होता था फिर सिंगल सिंगल मुझे इतनी नॉलेज। अब मैं तो पहले नापा भेजा था के लिए। अब जब ड्रामा खत्म होने वाला तब मैं समझाऊं कि बन कैसे रहे। टोटल दो दिन की शूट रह गए यार मैं अब समझ गया हूं सब कुछ। तो क्या शुरू स्टार्ट करूं मैं यार। वैसे आप लोगों का ये मशवरा है कि जब भी आप लोग बैठे तो पीछे मत बैठे। मुझे अक्सर लगता था वो दोस्त नहीं पीछे घुस के आते होते आज वो फीलिंग आ रही है। देखो मैं भी तो आपका साथ दे रही हूं। खासकर क्या डिसाइड किया हुआ नाश्ता करने कहां जा रहे हैं। वेंडर्स अब हम वेंडर्स जा रहे हैं नाश्ता या मैं मूड बना गया था निहारी खाने का लेकिन एक्सप्रेसो ना चले। नहीं नहीं वेंडर्स सही है एक्सप्रेसो तो बहुत अच्छा। नहीं नहीं भाई सही है निहारी मूड में निहारी बना के आया था निहारी से बहुत अच्छा खाना है एक्सप्रेसो आप मजा आया वेंडर्स से मजा आया जी। भाई हम तो फाइनली आ गए हैं टीपू सुल्तान वाले जेंडर्स में। मेरा मूड निहारी का था लेकिन बाकी का मूड निहारी खाने का नहीं था। चाबी अंदर है ये नहीं मेरे पास चाबी।
चले फिर जी खाते हैं। ये हमें खालिद मिल गए अचानक से वेंडर्स में। मैंने पहले बंदा देखा अकेला नाश्ता कर रहा है, कोने में बैठ के अकेला नाश्ता कर रहा है। लेकिन देखो लड़ाई हो जाएगी अगर हमारा बिल दिया तो। हाँ। ना देना हमारा बिल, हम खुद देंगे नहीं ना। और मुझे पता है खामोशी दे देगा खाना खाने। ये पिज्जा मंगाया है छोटा सा और अभी हम चारों यही खाएंगे। ये चारों का जो नाश्ता है ये है डाइट पर है ना हम लोग। ये ना सोचिएगा हम पैसे बचा रहे हैं, ये हम डाइट पर है। ठीक है फराज दानिश, अब देखना है ये 1 2 3 करके उठाएंगे, देखते हैं। चलो 1 2 और 3 सही है। ये कलमारी फिश है, पूरा हमने मजाक किया था भाई के सबका ही गया है। ये एपेटाइजर मंगाया हमने, ये होता है कि 3 6 9 12 12 हमारा है माशाल्लाह। ये आ गया चिमीचू, क्या है चिमीचूरी क्या। तो हमें आम जिंदगी में भी सारे चिमीचूई मिल रहे और खाने में भी चिमीचू मिल गया। तो माशाल्लाह हमारी बहन का क्लब सैंडविच आ गया जिसमें 3 6 3 9 3 12 ब्रेड्स हैं और माशाल्लाह डाइट है, फ्रेंच फ्राइज भी हैं। जिंदगी का एक उसूल याद रखें दोस्तों। आज मैं आपको जैसे कि व्लॉग के थ्रू एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जब भी किसी का चीट दो उसके साथ खाने पे मत आना। चीट ये देख रेड स्नैपर, आई ऑलवेज लाइक इट। भाई ये जो आप देख रहे हैं ये खालिद साहब की तरफ से है। मैंने मजाक की थी बिल ना देना, लेकिन वो मीठा जो है वो खालिद साहब। थैंक यू खालिद यार, थैंक यू खालिद की अच्छी बात है कि हम कोल्ड ड्रिंक और मीठा कभी भी नहीं मंगाते अपने पैसों से, तो ये खालिद ने मंगा दिया, अच्छा किया। थैंक यू खालिद, थैंक यू खालिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस सचे वंडरफुल, थैंक यू भाई। दानी साहब जिससे हमारे ब्लॉग का एंड होने वाला है, जी जी, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? हाँ बड़ा ज़रूरी है। देखें पहले ज़माने में लोग मैसेज देते थे और आजकल लोगों ने छोड़ दिया मैसेज देना। फेसबुक पे ही बड़े भाषण आ रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, तो फिर भी एक मैसेज मैं दे देता हूँ। दौर बड़ा सख्त है और ये मैं बड़ा सीरियसली बात कर रहा हूँ कि जब भी आप लोग बाथरूम जाएँ तो कमोड में बैठने से पहले चेक कर लेंगे पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, ये ना हो कि फिर बाद में आपको तकलीफ का सामना करना पड़े। गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, ये यकीनन लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। स्पेशली आप कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस में जाएं और उनके वॉशरूम में, पब्लिक में कहीं भी, क्योंकि आजकल आपको पता है पानी की बाथरूम की हमने बात की और पीछे आ गए ये सफाई कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, किल्लत पानी की इतनी है, टैंकर पर टैंकर आ रहा है। सही, और कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले का हिसाब किताब क्लियर करने के लिए आप फ्लश कर देते हैं, फिर जब खुद बैठते तो पानी नहीं होता, तो ये भी जब पिछले का हिसाब किताब पढ़ा है तो फ्लश ना करें। जी अंजना साहब आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हाँ मेरा तो बहुत स्पेशल मैसेज है स्पेशली गर्ल्स के लिए कि जब खाना खा लें तो ये लिपस्टिक अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। जैसे अब मेरी उधर गई थी, मैं फ़ौरन लगा ली इससे पहले कि यासिर मेरी तरफ आता, तो ये है कि ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए। और भाई जब आप लोग मास्क लगाए ना गर्ल्स, प्लीज़ आप लोग लिपस्टिक के बगैर लगाया करें, वरना मास्क में से 2 होंठ नज़र आ रहे हैं दूसरी बार, तो वो लिपस्टिक के निशान। तो जब आप मास्क उतार दें फिर लिपस्टिक लगा लें। भाई ये हो सकता है कि अगर आप खाना खा लें और आपका कोई दोस्त आपके साथ बैठा हो तो पहले खा चुका हो और जा रहा हो, तो उसको आवाज़ लगा के काउंटर पर बोले भाई इनसे पैसे नहीं लेना, तो वो आपके भी पैसे दे देंगे। वैसे आइडिया है पाकिस्तान में पैसे बचाने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप फौरन पैसे देने लग जाओ कि अरे नहीं नहीं आज का बिल मैं दूंगा, बिल दूंगा जी जी, बिल यहाँ मुझे मुझे दे, मुझे मैं दे रहा हूँ। अच्छा दाने की जरूरत है, आप दे दो। आज मैं अपनी बेगम से भी कार्ड लेके आ गया था, चले
जी हाँ सर, आपका मैसेज? मेरा मैसेज यही, जब भी आप फैमिली के साथ या भाइयों के साथ ये नाश्ते पे जाएं, खाने पे जाएं, तो उनको रास्ते में ग्रुप में बता दें यार सॉरी मैं वॉलेट भूल आया हूँ, तो उससे ये होता है कि आप बच जाते हैं, अरे यार ये वॉलेट भूल आया, अपने अगलों को इम्तिहान में डाल दिया यार बिल मैं दूंगा या दूसरा देगा। तो ये एक अच्छा आइडिया है, जैसे आपने देखा मैंने हाथ तो बढ़ाया बिल देने के लिए, मेरा वॉलेट था ही नहीं, तो ये एक तरीका होता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए आप बोले मैं वॉलेट भूल आया। और भी बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं देता रहूँगा आपको। एक दफ़ा क्या हुआ, हमारा बचपन में ना एक हमारा वो दोस्तों में नहीं होता, बड़े दोस्तों में एक छोटा दोस्त होता है, तो उसको हमने बोला कि यार काशिप आज तुम ऐसा करना पब्लिक के सामने, बोला मैं बिल दूंगा, हम तुझे मना करेंगे, अबे तू छोटा है यार तू कैसे बिल देगा, अच्छी बात थोड़ी है, हम बड़े हैं। हमने बोला नहीं यार हमेशा आप लोग खिलाते, आज मेरी बारी, ठीक है। उसने बोला हाँ ये करेंगे यार, मेरी ज़रा बात बन जाएगी लोगों की। फिर वो जब गया बिल देने तो हम लोगों ने बोला, चल यार बिल हम दे रहे हैं। उसने कहा नहीं आज भाई मैं आज बिल मैं दूंगा यार, ताकि मतलब आप लोग हमेशा खिलाते हैं। हमने कहा अच्छा फिर दे। तो उसने एकदम बोला भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, बोला हमें जब पैसे नहीं था तो क्यों यहाँ पे कर रहा है। तो ये नारा होशियारी भी कभी कभी गले पड़ जाती है। चलिए जी ना हमारा नाश्ता हो गया और हम जा रहे हैं घरों की तरफ, मज़ा आया बहुत, थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और हम क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि पेट हमारे इतने फुल हो चुके हैं, तो हमारा पेट भी इस वक्त मोबाइल से आगे है। तो कुछ कहेंगे दादा? फराज बड़ा अच्छा टोटका दिया है वज़न कम करने का, फराज का वज़न भी ऐसे ही कम हुआ है। रोज़ रात को सोने से पहले सरसों का तेल नाफ में लगा के डुबो दें। अच्छा वाकई फराज ऐसे नहीं 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 और ये भाई मजाक है, कोई सीरियस फॉलो ना करे। हां कोई फॉलो ना करे, मजाक चल रहा है। खुदा हाफिज़। नाफ में तेल लगाओ के बाय। उसको मैंने खुदा हाफिज़ कर दिया, लेकिन याद आया कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि भाई जो हमारा चैनल है फरीद नवाज प्रोडक्शंस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको आप शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे तो हम आगे भी व्लॉग बनाएंगे। क्या कुछ कहेंगे आप दानिश फराज? हाँ जी, जिसका सबसे बेस्ट कमेंट होगा उसको तोहफा मिलेगा। क्या तोहफा मिलेगा? उसके साथ हम डिनर करेंगे, उसके साथ हम डिनर करेंगे उसके खर्चे पे। तो देखिए हमारी बातें शुरू खाने से होती है और एंड खाने पे होती है। तो खुदा हाफिज़, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद करें लोगों को, आप लोगों का शुक्रिया, बाय बाय। कमेंट कीजिएगा, हम पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं ना, सही है। खुदा हाफिज़।